हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी के एक डिफिकल्ट दिखने वाली प्रॉब्लम, जेईई एडवांस 2021 में आई थी। तो ध्यान से सुनेंगे और देखने में प्रॉब्लम लंबी लग रही है, लेकिन लेंथी प्रॉब्लम्स को कैसे हम इफिशेंटली अप्रोच कर सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम में इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। तो पूरा वीडियो देखना है मेरे साथ। तो चलिए, हमारे पास तीन सेट है, E1 है, F1 है, G1 है, ठीक है। और दो एलिमेंट निकाले जाएंगे अपने कहाँ से, E1 से। उस सेट का नाम दे देंगे S1, और E1 माइनस S1 मतलब बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा, E2। तो S1 में दो एलिमेंट डाले गए, बचा हुआ एक एलिमेंट अपना E2 के पास चला गया, ठीक है। फिर एक नया सेट बना रहे हैं F2, जो S1 आपने बनाया ना दो एलिमेंट का सेट, F1 के साथ यूनियन करके मिक्स कर दिया। फिर से दोबारा दो एलिमेंट निकाले, फिर उसको नाम दे दिया S2। S2 का यूनियन कर दिया किसके साथ, G1 के साथ। उस सेट को नाम दे दिया G2। फिर से दो निकाले, उस सेट का नाम दे दिया S3। यहीं पे रुक गए, इतना लंबा चल दिया इन्होंने, रुके नहीं। तो फाइनली S3 को यूनियन किया किसके साथ, E2 के साथ। अब E2 याद करो कौन सा सेट था, E1 का बचा हुआ हिस्सा, एक एलिमेंट वाला। और S3 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो E3 के पास तीन एलिमेंट होंगे, ठीक है, दो या तीन एलिमेंट होंगे। पर यहाँ पे बोला हुआ है कि E3 और E1 बराबर है, ठीक है। E1 में तीन एलिमेंट, मतलब E3 के अंदर भी तीन एलिमेंट है। तो E2 के पास एक, S3 के पास दो, पक्की बात है। E2 और S3 आपस में कैसे सेट है, डिसजॉइंट, ठीक है, बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट सेट है। तो अपने को देखो, फाइनली जो हो रहा है वो पहले से पता है कि जो E3 बनेगा वो मेरा E1 के बराबर बनेगा। अब मेरे को ये पता करना है कि सबसे पहले जो आपने सेट बनाया था वो S1 1,2 था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉब्लम किसका, बेस थ्योरम का है, ठीक है, बेस थ्योरम की प्रॉब्लम है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते बेस थ्योरम का, सीक्वेंस में बहुत सारी इवेंट्स हो रही है, लास्ट फाइनल इवेंट आपको बता दिया जाएगा कि ये हो रहा है। रिवर्स जाके पूछेगा आपसे कि पास्ट में क्या हुआ था, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते बेस थ्योरम को। और आसानी से अगर इन प्रॉब्लम को अचीव करना हो, सोल्व करना हो, क्रैक करना हो, तो अपने को सीधा सा ट्रिक होता है, इसका ट्री डायग्राम बना लो, उसमें दिख भी जाएगा सीक्वेंशियली क्या क्या हो रहा है। तो सारा सामान साइड में कर लेता हूँ और बारी बारी से अप्रोच करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, चार पाँच बहुत सारी इवेंट्स हो रही है, लेकिन अगर एंड रिजल्ट को ध्यान में रखोगे ना, तो आराम से हम शायद इसको प्लॉट कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा दो कदम आगे से चलेंगे, दो कदम पीछे से चलेंगे, तो आराम से सफ़र कट जाएगा अपना। तो देखिए कैसे अप्रोच कर सकता है इसको। ऊपर से बात हो रही E1, जानते हैं आप E1 में क्या है, 1,2,3 है अपने पास, ठीक है ना। E1 में क्या है अपना, 1,2,3। यहाँ से हमने एक सेट निकाला S1 और E2, ठीक है। तो S1 क्या क्या हो सकता है मेरा, 1,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है और 1,3 हो सकता है। करोस्पॉन्डिंग मेरा पास E2 आ जाएगा, ब्लू से लिख रहा हूँ, E2 हो जाएगा अपने पास 3, उसमें एलिमेंट है इसमें मेरे पास 1, इसमें 2, थोड़ा पीछे से थोड़ा सा आगे से, ठीक है। अब क्लियरली मेरे को जो लास्ट में मेरा E3 जो चाहिए, E3 जो चाहिए लास्ट जो फाइनल सेट बना, वो E1 की इक्वल चाहिए, ठीक है ना, ओके। और ये E3 आया कहाँ से, S3 और E2 का यूनियन करने से। ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि E2 और S3 आपस में डिसजॉइंट है। E2 अगर मेरा 3 है तो मेरा S2 क्या होगा, ठीक है, मेरा S3 क्या होगा, बेसिकली S3 अपना होगा, थोड़ा सा यहाँ से चल रहा हूँ, S3 अपना होना चाहिए फिर 1,2, ओके। और अगर मेरा E2 1 है तो मेरा S3 मेरे को कैसा चाहिए, 2,3। एंड E2 अगर मेरा कितना है, 2, तो मेरे को S3 कैसा चाहिए, 1,3, ओके। कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब देखो, S3 कहाँ से निकाला आपने, G2 से, ठीक है। और G2 कैसे आया है, G1 और S2 का यूनियन करने से। G1 को थोड़ा ध्यान से देख लो, 2, 3, 4, 5। अब देखो, पक्की बात है कि जो मेरा कौन सा सेट, G2 सेट है, उसमें G1 के सारे एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 और S2 के एलिमेंट्स हैं। तो अगर तुमने 1,2 निकाला है तो पक्की बात है G2 के मेरा कैसा बनना चाहिए, 1,2,3,4,5 जैसा ही बनना चाहिए, अदरवाइज हो जाएगा मामला गड़बड़, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास
अगेन यहाँ पे भी मेरा G2 कैसा बनना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 जैसा ही बनना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे अपने पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है G2 की, जो कि S2 के साथ यूनियन करने से आया है, वो 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, वो 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, क्योंकि अपने पास S2 क्या चाहिए, 2, 3, तो 2, 3 अपने पास मिल जाएगा इससे, है ना। तो दोनों बातें हो सकती हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 भी ले सकता हूँ, या 2, 3, 4 से बन जाएगा मेरा काम। ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूँ, लंबा सवाल है, ध्यान से समझना, ठीक है। G2 अपना ऐसा हो जाएगा, ओके, और वो G1 के साथ, तो S2 कैसा रहा होगा, तो पक्की बात है इससे पहले जो S2 आपने निकाला है, अब देखो G2 के पास तो मेरे पास क्या है, 2, 3, 4, 5 ही है, तो पक्की बात है S2 के पास तो 1 तो होना ही चाहिए, बिना 1 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी मेरे पास 1 तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे को G2 के अंदर 1 चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर से देखते हैं, नीचे के दो सेट तो क्लियर हो गए मेरे पास, S1 बना लिया, E2 बना लिया, ओके। फिर मैंने क्या बनाया, अपना एक सेट बनाया अपन ने, कौन सा, F2, ठीक है। F2 बनाया अपन ने क्या, F1 और S1 का यूनियन करके, तो F1 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2 के साथ यूनियन करूँगा, तो 1, 2, 3, 4, अगेन यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, ये F2 की वैल्यू लिख रहा हूँ, और ये भी 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ से जो मेरा S2 निकलेगा, S2 में जैसा ही मैंने बोला, S2 और G2, G1 का यूनियन करने से G2 तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो S2 के पास पक्का 1 तो होना ही चाहिए, तो S2 मेरे पास कैसा होना चाहिए, या तो 1, 2 हो सकता है, या फिर 1, 3 हो सकता है, या फिर 1, 4 हो सकता है, ओके। अगेन यहाँ पे मेरे को S2 अपना कुछ भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को 2, 3 चाहिए, तो डिपेंड करेगा। जैसे G2 के बारे में बात की, G2 अपना क्या बनाया, G2 अपना बनाया तो 2, 3, 4, 5, इसका मतलब तुमने जो S2 छाटा है उसके पास 1 है ही नहीं, या फिर अपना G2 क्या बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब मेरा जो S2 है उसके पास 1 था। तो दो बातें, S2 या तो आप बना रहे होंगे ऐसे केस में 2, 3, 2, 4 या फिर 3, 4, ठीक है। फिर इस केस में क्या बनाया होगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ध्यान रहे S2 दो एलिमेंट का सेट है जो मैं F2 से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपका, और ये कौन है, G2 अपना, G2 है अपना G1 यूनियन S2 करके, G1 यूनियन S2, तो G1 अगर, G1 के पास 2, 3, 4, 5 ही है ना, तो हमारे पास अगर 1, 2, 3, 4, 5 G2 बनता है, तो पक्की बात है S2 के पास 1 तो रहा ही होगा, ठीक है ना। और इस केस में आ गया, और यहाँ पे S2 अपने पास क्या होगा, पक्की बात है S2 इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 तो मेरे पास रखना ही रखना है, क्योंकि मेरे 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन करा के बना दो, तो 1, 2 हो सकता है, या फिर ये 1, 3 हो सकता है, या 1, 4 हो सकता है। तो अपना डायग्राम पूरा हो चुका है, अब फटाफट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है अपने को। तो बेस थ्योरम में क्या होता है कि अपने को ये देखना है कि S1 अपना 1, 2 था, ठीक है। तो मतलब ये जो पूरी लाइन ना अपनी, ये वाला जो पूरा सेगमेंट है, ये जो पूरा प्रोडक्ट अपना आ जाएगा ऊपर, और इन तीनों का सम आ जाएगा नीचे। तो बेस थ्योरम ऐसे ही करते हैं अपन, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब तीनों लेग्स की प्रोबेबिलिटीज का सम, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है अपने पास, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अपना न्यूमिनेटर में रहेगा। ट्री डायग्राम से ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फेवरेबल ब्रांच ऊपर, बाकी तीनों का सम नीचे। तो मेरी रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे पहले तो मेरे पास S2 S1 बनाया अपन ने, तो S1 तीनों में से कोई भी बन सकता था, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/3, ओके। F2 बन गया, अब S2 निकालना मेरे को। अब अगेन देखो, S2 मेरे पास ये 3 चाहिए, जबकि अपने पास 4 पेयर थे, 4 एलिमेंट थे, तो 6 पेयर बन सकते थे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3C2/6C2 इंटू, फाइनली मेरे पास S2 बन गया,
एस टू तुमने ये बनाया तो जी1 के साथ यूनियन करके क्या बनेगा मेरे पास 1 2 3 4 5। और S3 सेट जो मेरे को 1 2 चाहिए, तो अगेन टोटल पेयर कितने बन सकते थे अपने पास 10, फेवरेबल पेयर सिर्फ एक है तो 1/10। ये तो अपना हो गया न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में पहली प्रोबेबिलिटी एज इट इज प्लस दूसरी वाली लैग 1/3, ठीक है। वेफ टू मेरा बन गया, ठीक है। अब इसमें ये देखना मेरे को कि अगर दूसरा वाला स्टेप मेरे पास थोड़ा सा इसमें इस तरह से है, S1 अपन ने ऐसे पिक किया है तो प्रोबेबिलिटी देखो 2 3 की छांटने की क्या बनेगी मेरे पास, ऐसे पिक किया है तो फिर अलग बनेगी। तो दो केस यहाँ पे बन गए अंदर मेरे पास। अगर S2 अपन ने साढ़ा 2 3 2 4 3 4, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी 3C2/4C2, 3C2/4C2। उसके बाद मेरा G2 क्या बना 2 3 4 5, तो 2,3 निकालेंगे मतलब 1/6, ठीक है ना। एक फेवरेबल पेयर, टोटल पेयर कितने बन सकते थे 4C2 से 6। या फिर आपने S2 ऐसा छाटा है मतलब अगेन 3C2/4C2 इंटू, अब 5 एलिमेंट का बन गया तो टोटल पेयर 10 बनते, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, प्लस थर्ड लैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, S2 छाटा, S1 छाटा 1/3, अगेन ये 3 मेरे फेवरेबल पेयर है तो 3C2/4C2, G1 बन गया अपने 1 2 3 4 5, G2 उसमें से मेरे को एक पेयर चाहिए 1,3, तो टोटल पेयर बन सकते 10। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया जाए तो P का आंसर मेरे पास क्या बनेगा, 1/3 1/2 1/10 ÷ 1/3 1/2 1/10 प्लस 1/3 इंटू, ये कितना हो रहा है मेरे पास 1/2 1/6 प्लस 1/2 1/10 प्लस 1/3 1/2 1/10, ठीक है गाइस। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। तो सबसे पहले देखो ये देख लेना अपने पास कि आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन के अंदर अपन ने बेस थ्योरम, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट है वो मेरे को गिवन है कि जो फाइनल सेट आपने बनाया E1 E3 वो इक्वल है। अब इनिशियल जो सेट था वो क्या रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो रिवर्स जा रहे हैं अपन, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब बेस थ्योरम। अब थोड़ा सा इसका जो ट्री डायग्राम है, इवेंट्स का फ्लो कैसे हो रहा है, वो थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा नीचे ट्री बनाने की कोशिश करोगे तो सिंपली बन जाएगा। अल्टीमेटली मेरे को ये देखो कि जो सेट बनाना है E3 जो सेट बनाना है वो E1 के बराबर बनाना है, ठीक है। E2 पहले से पता है तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा S3 है वो 1 2 ही रहना चाहिए, 2 3 रहना चाहिए, 1 3 रहना चाहिए, वो E2 को देख के पता लग जाएगा। अकॉर्डिंगली तुम देख सकते हो कि ऊपर से फ्लो कैसा आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इफ़ यू फील एनी डाउट अबाउट इट प्लीज़ प्रोवाइड दैट इन कमेंट सेक्शन, एज लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।